हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. हेलो सर. बहुत लंबे समय के बाद सारे डॉग शो खत्म हो चुके हैं. हाँ, क्योंकि हमारा सारा जो डॉग शो की वीडियोग्राफी है या वीडियो शूटिंग करना, आउटसाइड ऑफ पंजाब जाना या आउटसाइड ऑफ जलंधर जाना, मैं तो कहीं जा ही नहीं पाता, तो ये डिपार्टमेंट है इनका. तो अगर आपको कहीं लगे कि कोई डॉग शो अच्छा नहीं शूट किया, तो इनकी गलती है वो. आज हम आए हैं नई ब्रीड लेके और नया शो लेके, डॉबरमैन पिंचर ब्लैक टैन. ये सर के हाथ में मेल है और ये फीमेल है. टेल इनकी आप देख सकते हो. तो कल मेल की हमने डॉक्टर साहब से टाइम लिया है, तो इसकी जो होती है किड़ी क्रॉपिंग लेजर, बाकी तो प्रॉपर जो अच्छी क्रॉपिंग होती है क्लंप के साथ लेजर क्रॉपिंग. बट कई कस्टमर नहीं करवाते हैं. हम तो वैसे बोलते हैं कि इसकी क्रॉपिंग नहीं करवानी चाहिए, बट डॉग शो में इसे अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि आपने देखा होगा डॉबरमैन और बॉक्सर ये दोनों क्रॉपिंग के साथ ही डॉग शो में जाते हैं. केसीआई भी इनको मानता देता उस तरीके से. तो ये मेल कल जा रहा है, एक मेरे फ्रेंड हैं उनके घर, और फीमेल अभी हमारे पास अवेलेबल रहेगी. इसकी आप बुकिंग करवा सकते हो. ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है. फुल क्वालिटी है जी. मदर फादर चैंपियन है जी इनके. ओके, बाकी रहा बात माय फ्रेंड आज का टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे हमें बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि पेट से या इनको कोरोना वायरस जो आजकल, क्योंकि एक तो इनको वैक्सीनेशन लगता है कोरोना का, वो अलग है, जो ये कोरोना वायरस है वो अलग है, इन दोनों चीज़ों को मिक्स मत कीजिए. दूसरा ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या इनसे हमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारी कैसे प्रिकॉशनरी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने कहा है कि आप नॉनवेज मत खाइए, लेकिन ऐसा अभी तक कोई केस नहीं सामने आया कि नॉनवेज खाने वालों को ही ये प्रॉब्लम ना हो, वहाँ से हो रहा है. बट मेन जो है चीज़ है साफ सफाई रखना. कोई भी पर्सन, जैसे आप हर अभी तो आपको इतना याद ही हो गया होगा चीज़ें, कि अगर कोई खांस रहा है, छींक रहा है, किसी को जुकाम है, तो उसे थोड़ा दूरी बनाकर बात करना, और जितना हो सके पब्लिक प्लेसेस में मत जाइए माय फ्रेंड. टेक केयर, क्योंकि जो गलतियां बहुत सारी कंट्रियों ने की वो हम इंडियन हम नहीं कर सकते. हम इतनी जल्दी बहुत चीज़ें कैच करते हैं. हमारी गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है, हर चीज़ की गाइडलाइन चालू है अवेलेबल. तो बी टेक केयर. बाकी रही बात पेट, जो एक हमें स्टोरी एक आई आज हमने पढ़ा था कि हांगकांग में एक ऐसा केस हुआ कि एक डॉगी को वैसे कहा नहीं जा सकता कि उसको कोरोना वायरस है, लेकिन बहुत नामात्र पाया, लेकिन उसके मालिक को था. तो एक वो थ्योरी ये पकड़ी जा रही है, क्योंकि तो अभी बाकी बहुत सारी चीज़ों पर सर्च होना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें कुछ समय के बाद पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन वो एक थ्योरी है कि इसके मालिक से पेट के मालिक से पेट को हुआ. तो अगर उस थ्योरी को सही समझे तो हमारे से इनको हो सकता है, इनको हमसे नहीं हो सकता कोई भी चीज़. तो बी केयरफुल माय फ्रेंड, ऐसी चीज़ों पर मत ध्यान दीजिए कि हमारे पेट से कुछ प्रॉब्लम है. तो पेट हमारे बहुत सारे काम, हमारे स्ट्रेस बस्टर, फ्रेंड, जो भी आप कह लो, इनसे मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है. ना ही कोई अभी तक चीज़ ऐसी पढ़ने लिखने में या सुनने में आई है. तो हमने बहुत आज लगभग हर उस चीज़ नेट का हर साइड खंगोल दिया, कुछ नहीं समझा, इस पकड़ पाया. तो आज का शो स्टार्ट करते हैं. बाकी हाँ, कोरोना वायरस मेन माय फ्रेंड पब्लिक प्लेसेस, जो हमें गवर्नमेंट ने कहा है कि कम से कम 30 मार्च तक तो स्विमिंग पूल, सब आप जानते हो, कोई भी गैदरिंग मॉल राइट बंद है. तो बाकी जो भी आपके एरिया में गाइडलाइन है, कोई पर्सन अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि वो चाहे नॉर्मल फ्लू है, फिर भी प्रिकॉशन ऑलवेज लेना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है. थोड़ा सा बता दीजिए इस ब्रीड के बारे में सर, पिंचर के बारे में. ये सर बहुत ही एक्टिव ब्रीड होती है, तो इसको मोस्टली गार्डिंग के लिए हमारी इंडियन पुलिस है जो वो लेती है. तो बाकी आपको जो छोटे अपार्टमेंट्स वाले घर हैं उनमें थोड़ा सा इनको एडजस्ट करना में प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज़ ये बहुत ही फुर्तीले डॉग हैं. इनके बाल बहुत कम होते हैं, हल्का सा भी कोई घाव हो सकता है, ये कहीं भी चोट लग जाती है तो दिखता है. अमेरिकन बुल्ली की तरह स्किन है इनकी. ये अभी भी हमारे हाथ में काम रहे हैं, अभी इनको जस्ट केज से निकाला ही है.
बट बहुत एक्टिव ब्रीड है, बट इसको इनको छोटे नीचे छोड़ेंगे तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है, खाली हाथ में ऐसे ये कर रहे हैं। बाकी। हाँ एक और बात, इसको छोटे घर में मत रखिए माय फ्रेंड, ये ज्यादातर बड़े घरों में, क्योंकि ये फार्म एक्टिव हाउस वगैरह में ये रहना पसंद करते हैं। आज से कुछ समय पहले की बात करें तो इंडिया पंजाब के अगर हर दूसरे तीसरे घर में ये ये हुआ। बहुत क्रेज था डावरमैन का, अभी भी एनआरआईज जो आते हैं हमारे पंजाब में वो डावरमैन और बॉक्सर को ही ढूंढते हैं, और ये क्योंकि दोनों ब्रीडें बहुत मुश्किल बहुत भी ही है। मुश्किल है, क्योंकि बार उनका मनपसंद कलर नहीं मिलता, जहाँ वैसी क्वालिटी नहीं मिलती है। ये भी ये वैसे दो डॉग्स, कलरों में होते हैं हाँ राइट, जी, ये लीवर टैन और ब्लैक टैन, लीवर टैन, वो थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप में हाँ होता जी। है उसको लीवर टैन कहा जाता है, और ये ब्लैक एंड टैन है। इसको अगर मेरे हिसाब से किसी ने पीछे छोड़ा है तो रॉटवाइलर ने इसकी जगह ली बाद में आकर, बिल्कुल, नहीं तो ये हर दूसरे तीसरे घर में ये आपको दिख सकते रॉटवाइलर डैशोंड से ही रेडी की हुई ब्रीडें हैं ये, क्योंकि इन्हें तीनों का ही टैन कलर होता है। बाकी जर्मन शेफर्ड का भी ब्लैक टैन अभी तो, बट जर्मन शेफर्ड ब्लैक व्हाइट हैं। बहुत कलर में आने लग गए हैं। ओके सर स्टार्ट द शो प्लीज। हाँ जी पेट्स लवर सर, में लैब्राडोर ग्रो नहीं हो रहा, वो 8 मंथ का है और सिर्फ 12 kg है। ये तो बड़ी हैरानी की बात है सर, 8 मंथ में लैब्राडोर रिट्रीवर का बॉडी वेट 20 से प्लस तो नॉर्मली चला जाता है, तो या तो वो आपकी डाइट थोड़ी प्लान गड़बड़ है कहीं, दूसरी बात हो सकती है डिवॉर्मिंग नहीं आप टाइम टू टाइम कर पा रहे, या डाइट का कोई कोई मान लो कह लो शायद कि डाइट उतनी नहीं दे पा रहे जितनी सपोज तो भी उसको चाहिए। जरूरत है। हाँ एक बार नियर बाकी बाई आप जे आपने बड़ा लिया है तो आप एज कंफर्म कर लीजिए, ऐसा ना हो कि एज कम हो हाँ तो गलत, आप गलत गाइड हो रहे हो। बट फिर भी नियर बाई आपके कोई अच्छे डॉक्टर हैं एक क्योंकि बार तीन चार उनका। महीने का कुत्ता भी 15 से 20 पुट ऑन कर लेता है जी हाँ वेट, 4 महीने में लेबरा तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल, लेता इतना, ये तो आप पे डिपेंड करता है, लेबरा तो 1 क्विंटल के करीब भी हो ही जाता है। बहुत है ये, जिनको जितना मर्जी मोटा कर लो। नेक्स्ट रियल क्वेश्चन। फ्रेंड, क्या डॉग के थ्रू कोरोना स्प्रेड हो सकता है? नहीं सर, नो नहीं, नो यही नो चीजों पे आपको गाइड कर रहे हैं, प्लीज ह्यूमन से एक दूसरे से हो सकता है, ये एनिमल्स ही कहूंगा मैं, जिसमें बर्ड्स आ जाएंगे, डॉग्स आ जाएंगे और कैटेगरीज कई आ जाएंगी, इनमें कोई कोरोना वायरस नहीं है, प्लीज आप इन चीजों को इसके साथ अटैच मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने कहा तो सर्च भी किया, जो बहुत सारे हमारी थ्योरी जो साइंस अभी तक मान रही है कि ये जो चमगादड़ हैं या उनसे इंसानों तक आया, लेकिन उसके बीच में कड़ी, क्योंकि वो जो पूरा कोशिश करें कि अगर उनका सूप पीने से सीधा डायरेक्ट इंसान में आ गया, तो वो भी चीज पकड़ में नहीं आ रही, वो भी चीज समझ नहीं रहते। तो अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होनी बाकी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन जितने क्लियर हो ही जा रहे हैं वो हम एंड बहुत सारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बहुत सारे यूट्यूबर हमारे फैमिली फ्रेंड्स सब ज्यादा वो से अवेयर ज्यादा कर आप रहे नए लोगों से मत मिलिए हैं। बस जो अलग कंट्री से आए हैं, क्योंकि उनसे होने से हमें हो सकता है कि कुछ हो जाए, अदरवाइज आप जो नॉर्मल पर्सनों को मिलते हो वो आप मिल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अपनी साफ सफाई रखिए, जैसे आजकल हर मोबाइल में ऐड आ रही है हैंड वॉश की, सैनिटाइजर की, तो थोड़ी सी आपको अपनी साफ सफाई भी रखनी पड़ेगी, जिससे ये चीज़ कम होती जा रही है। YouTube के ग्रेटिक सर, अमेरिकन बुली चाहिए पॉकेट साइज 35 kg के अंदर मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा मैं फ्रेंड, नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, सॉरी है यहाँ पर ही प्ले हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। अमेरिकन बुली मिल जाएंगे, अमेरिकन बुली कैनल क्लब से हम रजिस्टर करवा के भी आपको दे सकते हैं, हमने इस बार फर्स्ट शो नेशनल इंटरनेशनल अमेरिकन बुली डॉग शो करवाया था रामपुरा में, कोई भी बंदा अब अमेरिकन बुली को रजिस्टर करवाना चाहता है तो हमारा यहाँ क्लब बन चुका है पंजाब में, तो हम करवा के दे सकते हैं, बट केसीआई में नहीं होता है। सेठ चंपावत सर, मेरे लैब्राडोर पप्पी 11 मंथ का है, उसका वेट 33 kg है, मेल है, सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन यहीं तक बॉडी वेट उसका मेंटेन रखना, क्योंकि उसके बाद फिर जब जब लैब्राडोर 40 के ऊपर जाते हैं या 40 के आसपास जाते हैं, तो फिर वो ओवर वेट के कारण ही उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स या हमें भी फेस करनी पड़ती हैं, आफ्टर ऑल वो हमारा फैमिली मेंबर ही होते हैं। ये ब्रीड आपने मेरे साथ कितने लाइव शो देखे होंगे, ये ब्रीड सबसे मुश्किल है इसको कंफर्टेबल पकड़ना, ये ये बहुत बहुत एक्टिव। ही बर्दीले है ये, नेक्स्ट तो ये क्वेश्चन। टिक नहीं रही है बीच। हर्षवर्धन, अमेरिकन बुली माइक्रो फीमेल 7 मंथ वेट।
अमेरिकन सर ब्रीड माइक्रो। माइक्रो और वेट के बारे में हमारे से पूछ रहे हो तो मोस्टली 20 से 25, 30 तक भी रह सकता है, बाकी आपकी ब्लड लाइन पे है कि कैसी ब्लड लाइन की फीमेल आपके पास है। नाजिर के थापा सर, मेरे लैब 3.5 मंथ का, पर उसका ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है, पप्पी का क्या करूं प्लीज। बॉडी वेट 3.5 मंथ में सर कम से कम 10 केजी से ऊपर तो जाना चाहिए, अगर उतना नहीं है तो फिर आप जरूर डिवॉर्मिंग का देखो, डॉग का ग्रो करवाना या डॉग की ग्रोथ रुकनी, ये लगभग इन्हीं चीजों पर डिपेंड है कि एक तो डिवॉर्मिंग ना होना सही से, दूसरा पॉइंट होता है डॉग के पेट के कीड़ों की दवाई सही टाइम में सही डोज के हिसाब से ना देना, और तीसरा होता है डाइट प्रॉपर जो बॉडी वेट के हिसाब से या डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से हो वो कम देना। ये एक तीन मुख्य कारण होते हैं, मोटा करना हो तो ये तीन चीजें दे, तीन पैटर्न सॉल्व कर लो, अगर डॉग आपका ग्रोथ नहीं कर रहा तो ये तीन चीजें ठीक कर लो। अनंत कपूर सर, जर्मन शेफर्ड 3.5 मंथ, मेल वेट 12 kg कैसा है, और सर 3.5 के डॉग को कितनी फीड दे सकते हैं? देखो जो फीड होती है ना वो जितना उसका बॉडी वेट हो उसका 2% हमेशा फीड डॉग को फीडिंग किया जाता है। अगर वो 13 kg है, देखो इस कितना बॉडी वेट का, 12 किलो 12 किलो, जी तो बड़े आराम से वो 300 ग्राम तो फीड एक टाइम बड़े आराम से लेगा, 200 से 300 ग्राम बड़े आराम से एक टाइम, तो वो दिन में आप बाकी हर एक, मैं बार बार कहता हूँ कि हर एक डॉग की डाइजेस्टिबिलिटी अलग अलग होती है, एक बाकी ही ये मतलब कम पचाता है तो आप 150 ग्राम से भी स्टार्ट कर सकते हो, 200 से भी, वो आपके डॉग पे है जी, एक टाइम डाल के देखिए फिर आप उसको ट्राई कर सकते हो ज्यादा फीड। और दिन में 3 या 4 टाइम फीड देनी होती है, डाइजेस्टिबिलिटी जरूर चेक करनी है। ये सुपर चार्ट आया हुआ है जी। वासुबी, माई 1 ईयर ओल्ड जैक रूजल हिंदी लेग आर वीक, हिस लेग्स आर वीक, लेफ्ट लेग इज पॉइंटिंग आउट व्हेन स्ट्रेक्ट, एनी सजेशंस टू एज इम्प्रूव क्या हर बताए, 1 ईयर ओल्ड कौन सी ब्रीड जैक रूजल? सर? देखो मेन जब भी लेग का कोई भी इशू किसी ब्रीड में भी आए उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कैल्शियम की कमी, दूसरा कारण होता है डॉग को स्लिपरी फ्लोर पर रखना, तीसरा कारण होता है डॉग को ज्यादा केजिंग या चेनिंग करना, तो ये तीन मुख्य कारण होते हैं। तो अगर आपसे इन तीनों में कहीं भी कोई चूक हो रही है, मान लीजिए कि आपको डॉग को कैल्शियम उसके डोज के हिसाब से नहीं दे रहे, 0.2 अगर आप उसको ज्यादा चेनिंग या केजिंग कर रहे हो, देखो 3 कभी कभी कैल्शियम देने के बावजूद भी अगर डॉग स्लिपरी फ्लोर पर रहता है तब भी वो पोजीशंस लेग्स की प्रॉपर सही नहीं रहती, या बाहर को जा सकती है और या फिर ये अंदर को आ सकती है, तो कभी कभी एक साइड से स्टार्ट होता है, तो आप इन चीजों पर जरूर ध्यान दीजिए माय फ्रेंड। इस सुपर चैट में कितने समय क्या है, 100 100 रुपये। थैंक यू वेरी मच सर, का नाम क्या है, वासुबी? वासुबी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग आस अबाउट दिस 2 100 रुपीज। ये आप जानते हो जो भी हमें सुपर चैट में मिलता है वो स्ट्रीट डॉग की फीडिंग मेडिसिन जो भी हमारे पे जितना बन पड़ता है हम सब उसी में ही यूज करते हैं। रितेश रंजन, हेलो सर, मेरे पास 2 ईयर की लेब्रा फीमेल है, इसके हेड बड़ा करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? हेड तो सर एक्चुअली ऐसे है कि 2 साल हो गए हैं ये ग्रोथ कर चुकी है फीमेल, बाकी फिर भी इसको आप जैसे मिल्की बोन आती है बड़े वाली तो च्यूइंग करवा सकते हो, शायद कुछ फर्क पड़ जाए उसके हेड के लिए, अदरवाइज वो जो थी वो बन चुकी है, जैसे आप बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हो, टेल सेटअप देख सकते हो, हेड और कानों का जो भी है कि प्योर लेबरे की निशानी है मैं आपको बता रहा हूँ वो देख सकते हो, क्योंकि 18 महीने तक डॉग की ग्रोथ का सही टाइम होता है, हम बिल्कुल वो समय निकल चुका है, निकल चुका। अभी एडी चोटी का जोर लगाकर भी उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट फिर भी आप उसको कैल्शियम दीजिए, एंड चबाने के लिए जरूर कोई चीज है जिसकी हेड की एक्सरसाइज हो, जॉ की एक्सरसाइज हो, उस पर हेड पर कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। लव कुमार सर, मेरा जर्मन शेफर्ड 5 मंथ का है और वेट 16.5 kg, कितना? 16.5 kg, बट नॉट अ बैड सर, बट इतना है कि 6 मंथ का है ना, 5 मंथ 5 मंथ में 20 को भी वो टच कर सकता था, क्योंकि पिछला जो अब जो मुझे 4 महीने रहे हैं ना, 5 महीने, वो काफी हेल्थी वेदर था, बहुत हेल्थी वेदर इनफैक्ट, लेकिन अभी आने वाला समय है ग्रोथ
में डॉग को हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है इनको एक मोटा तगड़ा एवी बनाने में। आरव 9 मंथ में जर्मन शेफर्ड वेट 27 kg, ठीक है 27 9 मंथ में जर्मन शेफर्ड, गुड सर, नॉट अ बैड। क्योंकि जर्मन शेफर्ड का बहुत सारे मेरे फ्रेंड कहते हैं डॉग को मोटा करना है, वो ज्यादा मोटे नहीं। जर्मन शेफर्ड सर एक वर्किंग डॉग है, वो ज्यादा मोटे अच्छे नहीं लगते। लैब्राडोर को मैंने आपने पहले ही बोला था कि आप जितना मर्जी मोटा कर सकते हो, ये जर्मन शेफर्ड फिट एंड फाइन रहने चाहिए तभी बेटर। इनकी पहचान इनकी बालों का वो सीधा जो एंगुलेशन में या कान खड़े तरह, इनकी पॉइंट क्वालिटी के अलग है। हर चीज को हर ब्रीड को मोटा कर ही अच्छा नहीं दिखाया जा सकता, उनके पॉइंट अलग अलग होते हैं। जेडी डॉग शो में कैसे पार्टिसिपेट करें? हाँ जी, डॉग शो में पार्टिसिपेट, पहले तो सर जो आप किसी ओपन डॉग शो में जा रहे हो फिर तो आपको एंट्री करवानी है, तो आप खेल सकते हो, मतलब जो भी आपके पास ब्रीड है। अदरवाइज आपके किसी क्लब के साथ जैसे KCI या UKC, अभी पंजाब में या नॉर्थ इंडिया में कह सकता हूँ नया क्लब आया, आप उनके पेपर बनाइए। जहाँ आपके पास KCI का है तो ऑलरेडी आपके पास पेपर होंगे, फिर जहाँ जहाँ इंडिया में KCI डॉग शो होगा आप वहाँ पे एंट्री करवा के अपने डॉग की तो इस गेम में भाग ले सकते हैं। बाकी डिपेंड है आपका डॉग वहाँ पर फिर क्या मूवमेंट करता है, मूवमेंट करता है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। बिल्कुल, प्रैक्टिस ट्रेनिंग, शो ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं, वो देनी पड़ती है डॉग को, तभी आप जाके वहाँ पे कुछ कर सकता है डॉग आपका, तो जिससे आपके डॉग का नाम भी होगा और आपका भी होगा। सरोज राज सर कैसे हैं आप? सर मैंने एक जर्मन शेफर्ड 1.5 ईयर का लिया, क्या मैं उसे ट्रेन कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल सर, बट ऐसे जैसे हमको बच्चे को सिखाना थोड़ा सा आसान होता है वैसे ही डॉग में मैं कह सकता हूँ होता है, बट कुछ एक्स्ट्रा टाइम ट्रेनर को बोलना पड़ेगा देने के लिए या उसको समझने के लिए। ट्रेनिंग आप किसी भी डॉग को दे सकते हो किसी भी टाइम, बट इतना है कि जो 1 महीने में बात पकड़ में आ जाती है, हाँ, उसमें कभी कभी डबल बिल्कुल समय ज्यादा लगता है। ऐसे 3 मंथ लगाते हैं मोस्टली, तो बड़ा डॉग है 6 महीने भी लग सकते हैं। सपना सिंह, हाय सर, हमारा सेंट बर्नार्ड 8 मंथ में 50 kg है, सही जा रहा है? 50 पूरा ओके वेट है जी इसका, इससे ज्यादा आप करोगे तो फिर ये ओवर वेट हो जाएगा। कि बड़ा होने पे इसकी जो बैक वाली टांगे है ना इस पे प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इस करके वेट भी कम रखिए और खाना भी कम रखिए और अच्छी सुबह शाम अच्छी लंबी वॉक भी दीजिए प्लीज। आशुतोष सर, क्या रॉटवेलर एडल्ट उसके स्टड के बच्चे के साथ रख सकते हैं? अग्रेसिव तो नहीं होगा 1 मंथ रॉटवेलर पप्पी के साथ? नहीं, अग्रेसिव नहीं होगा सर, बट उसे 1-2 दिन तो देखने में भी और समझने में भी लगेगा कि ये हो क्या गया, कि मेरी जगह इसने ले ली जेलोसी, बट जब उसको पता लग जाएगा कि ये मेरा ही बच्चा है तो फिर वो उसको नहीं कुछ कहेगा। हर ब्रीड में ऐसा होता है, खाली बात रॉटवाइलर की नहीं है, अगर आप पग ले आओ ना उसके साथ, कोई भी जिसका फादर है उसको पता तो होता ही है DNA कि मेरा ये है, अदरवाइज सभी डॉग्स एक दूसरे डॉग से जेलस करते हैं। करते शुभम, डॉग अडॉप्शन है क्या? बिल्कुल, आप हमारे ऑप्शन सेक्शन में देखें, हाँ आप हमारे ऐप आपने हमारा डाउनलोड कर रखा है वहाँ पर फ्री डॉग सेक्शन है, और अभी भी जो 2 लेब्रा है हैदराबाद से वो मैडम ने शायद अडॉप्शन ऑलमोस्ट उनकी बात कहीं फाइनल होने वाली है, लेकिन वो फिर भी वो कह रहे हैं कि क्योंकि नॉर्थ इंडिया से उनको काफी कॉल जा रही हैं और नॉर्थ इंडिया से वो काफी कह लो कि वो काफी सेटिस्फाई हैं, कि लेकिन वो बार बार उनके मन में यही है कि वो अगर साउथ पार्ट में कोई ले ले तो उनके लिए वहां उसके लिए विजिट करना कभी साल में 1-2 बार आसान रहता है, नॉर्थ इंडिया में आना उनके लिए थोड़ा सा टफ है क्योंकि वो जॉब करते हैं वहां पर। दिस स्टार के सर, अमेरिकन बुली फीमेल 7 मंथ को घर का खाना के साथ पप्पी पेडिग्री ऐड करके देते हैं हम 3 टाइम, ओके है? घर का खाना ठीक है सर, बट ज़्यादा खाना भी घर का ना दीजिए, ज़्यादा अभी गर्मी स्टार्ट होने वाली है, आप लाइट फूड दे दीजिए 3 टाइम, वो बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे आप चपाती देते होगे उससे ज़्यादा कैलोरीज ही होती हैं, या तो आप घर का खाना जिसे बोलते हो दही लस्सी ये दे दो, अभी विंटर के बाद समर स्टार्ट होने वाले हैं, तो कुत्ते का मेरे हिसाब से सारा कुछ सही रहेगा जो भी आपके पास मेल है फीमेल। हरदीप सिंह सर, मेरे लैब फीमेल को 26 फेब को मेटिंग करवाई थी, आज उसके प्राइवेट पार्ट से वाइट पानी आ रहा है, व्हाट इज दिस?
सुई, वैसे तो अच्छा साइन है तो, बट फिर भी अभी ये बच्चे लेना, ब्रीडिंग करना बहुत ही पुराने टाइम से डिफरेंट हो चुका है टोटली, क्योंकि अभी मेरे भी एक हस्की ने बच्चे दिए, बट हमने सोचा कि ये तो यार हमने घर पे ही पाली है, सारा कुछ ओके है, बट उसके फिर भी दूध में पॉइजन आ गया, दो बच्चे जब तक समझ आया तो चले गए थे, अदरवाइज हमने तीन बच्चे बचा लिए हैं। तो ऐसे ही होता है कि आप ये जो साइन बोल रहे हो ना, वाइट वाइट जाले छोड़ रहा है, तो वो कंसीव के चांसेस हो बढ़ जाते हैं कि कुत्ती कंसीव हो चुकी है। तो बाकी फिर भी आप 35-40 दिन के जब हो जाएगा वो आपको पूरा शो कर जाएगी, उसके निप्पल बिल्कुल रेड हो जाएंगे और पेट छोड़ने लग जाएगी। मुरलीधर स्मार्ट पेट सर, मेरे जर्मन शेफर्ड किसी को भी देखता है तो वो उस पर टूट पड़ता है बार्किंग सर, वो शांति से वॉक पे नहीं जाता। शांति से जाएगा सर, उसको ट्रेनिंग दिलवाइए, और दूसरा उसको डांटिए जब ऐसे करता है नो करके, तो कुछ वो समझेगा, बट जैसे उसको मारना नहीं है। आजकल स्टिक्स आती हैं, डॉग स्टिक्स, जहाँ गोल करके अखबार पेपर होता है, उससे उसको मारिए, जैसे उसको चोट ना लगे, लेकिन आवाज, हाँ, उसको समझ भी आ जाए कि हाँ भी मुझे ये रोक रहे हैं, अदरवाइज ये जहरीला हो जाएगा, फिर जब आप इधर उधर होगे तो ये काट भी सकता है किसी। बाकी रही बात, एक और चीज होती है कि जब डॉग थोड़ा अडल्ट टाइप जाता, सीमी अडल्ट होता है, तो जब नियर बाई कोई फीमेल हीट पर, तब भी डॉग का स्वभाव थोड़ा चेंज होता है। पेट के कीड़ों की अगर दवाई आप समय समय पर नहीं दोगे तो भी डॉग का स्वभाव थोड़ा सा चेंज जरूर होगा। इन बातों पर भी आप जरूर ध्यान कीजिए। शिवम शिवांशु सर, मेरे जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग है जो 2 साल की हो गई है, प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। बोलो जी, 2 साल की हो रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो रही। सर पहले तो उसका टेस्ट करवाइए कि क्या प्रॉब्लम है, अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। तो दूसरा, जब ये आप बोल रहे हो कि एक होता ही नहीं है, 2 टाइम किया, जहाँ आपने 1 टाइम ट्राई किया था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम तो कई बार मिस भी कह सकते हो, फिर भी दूसरी बार भी नहीं हो रहा, तो आप इसका ट्रीटमेंट करवाइए सर, उसके बाद वो बता सकते हैं कि कैसे है कैसे नहीं। क्योंकि हर बार अगर मान लीजिए डॉग फीमेल अगर कह लो कि मिस कर गई, तो हर बार फीमेल की गलती जरूरी नहीं होना, कभी कभी मेल की गलती, हाँ, तो ये चीज जरूर देखिए। अगर आपने मेल चेंज भी किया है तो भी वही का रिजल्ट वही का वही है, तो फिर चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। भास्कर सर, मेरा 8 मंथ ओल्ड को पीछे देखियो करता है। नेक्स्ट, भास्कर सर, मेरा 8 मंथ ओल्ड डलमेशियन फीमेल पप्पी है, उसका वेट 16 kg है, उसके बहुत हेयर फॉल हो रहा है, डीवॉर्मिंग भी किया हुआ है और उसको हिमालय फर ग्लो भी दिया हुआ है, बट कंट्रोल नहीं हो रहा। सर अभी समर स्टार्ट होने वाला है जी, इनको आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6 देना पड़ेगा, जैसे न्यूट्री कोड, एडवांस न्यूट्री कोड आती है, वो आप इनको दिन में 3 बार दे दीजिए, तो जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। बाकी रही बात, एक आजकल समय भी है हेयर फॉल का, वही है ना, स्टार्टिंग हो जाएगी, मौसम चेंज हो गया, विंटर से समर में हम एंट्री करने लगे। और दूसरी बात, कभी भी नमक मिर्च मसाला मीठा दूध आदि अगर ज्यादा दोगे, ये प्रॉब्लम भी करते हैं। दुपिंदर तालीवाल सर, व्हाट आर साइंस ऑफ प्रेगनेंसी? साइन तो सर अभी ये पीछे जो आया था क्वेश्चन, उसका मैंने दे दिया है साइन, बट या तो पता लगेगी आपने फीमेल मेट करवाई है कितने दिन हुए। साइन के बात कर रहे हैं, फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट होता है ना, उसपे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, वो तो ब्लड तो भी आएगा वहां से, कम से कम 9-10 दिन ब्लड रहेगा, उस दरम्यान हमको गर्म चीजें डालनी पड़ती हैं, तो जिससे कि उसकी स्वेलिंग बढ़ जाए, और डिवॉर्मिंग करनी पड़ती है ताकि, क्योंकि अगले 3 महीने हम डिवॉर्मिंग नहीं कर सकते, उसके बॉडी वेट के हिसाब से आपको डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी फर्स्ट टाइम ही, जैसे 1-2 दिन होते हैं। शिवम डॉग स्टोर सर, मेरे लैब पप्पी को पार्वो वायरस हो गया है, कैसे ट्रीटमेंट करूं, मेडिसिन का नाम बताइए। सर ये आप नहीं घर में ट्रीटमेंट कर सकते, जल्दी से अगर अभी के अभी भी आपके नियर बाई कोई हॉस्पिटल है प्राइवेट गवर्नमेंट, तो वो आप वहां लेकर जाइए डॉग को, इलाज कराना बहुत जरूरी है, सिलाई करवाइए। सक्सेस टाइम, हाय, नाइस टू मीट यू, हेलो, आई एम फ्रॉम आई एम इन महाराष्ट्र इन चंद्रपुरा डिस्ट्रिक्ट, आई लाइक डॉग, यू आर ग्रेट ऑल टाइम एंड योर लाइफस्टाइल वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। एक और मैं बात जोड़ना चाहता हूँ, इससे पहले क्वेश्चन आया था कि अपना साइन, कभी कभी क्या होती है स्वेलिंग होती है, ब्लड नहीं आता, कभी कभी एक दो दिन ब्लड आता है बाद में चला, उसको साइलेंट हीट कहते हैं, तभी हम गर्म तसीर की चीज ज्यादा देते हैं ताकि वो चीज जो हीट अच्छी तरह का सिंपल भाषा में वर्ड यूज करूं खुल कर आ जाए। लव कुमार सर, मेरे जर्मन शेफर्ड को स्कैबिस हो गया है, कुछ होम रेमेडीज है क्या? स्कैबिस? नहीं माय फ्रेंड, आप ज्यादा बेटर है कि प्लीज एक बार डॉक्टर साहब से सलाह लीजिए, क्योंकि ये चीजें बाद में हमें नुकसान कर सकती हैं। अगर होम रेमेडी में अगर ट्राई करें ये चीजें नुकता, तो वो चीज में कहीं समय ना निकल जाए जा रहा सर। और आजकल जब मौसम सर्दियों से हम गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, तो ये मौसम काफी डॉग के लिए और हमारे लिए भी ये मौसम ठीक नहीं होता, क्योंकि ये इसको पंजाबी में हम कह लें कि कच्चा पक्का सा मौसम होता है, और इसमें हमारी ह्यूमन बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं होती इतनी कि एक स्टेबल मौसम में होती है। टिकॉप्सी, हेलो सर, कोरोना वायरस के कारण मैंने अपने पप्पी को चिकन देना बंद कर दिया है, क्या मैं चिकन दे सकता हूँ? आई एम फ्रॉम पीएच जी पंजाब। फ्रेंड बिल्कुल आप दे सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है, बट हाँ बहुत सारी गवर्नमेंट कहा है कि मांसाहारी से बचे, लेकिन ऐसा अभी तक किसी ने नहीं कहा कि किसी को चिकन से या किसी और चीज से वो हुआ है। बट मैं अगर मैं अपने फार्म की बात करूं तो मैं पेट को दे रहा हूं अपने फार्म में, मेरे वहां में नॉन वेज चल रहा है अभी तक, क्योंकि अगर आपके स्टेट में, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से भी है, पंजाब स्टेट ने ऐसा कोई नहीं कहा कि आप नॉनवेज खाना बंद कर दीजिए। कल तो को जलंधर में लंगर वंगर खा जाना, जलंधर चिकन वालों ने खुला लंगर लगाया था जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये बात है सर कि हम गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बट इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप चिकन खा सकते हो, KFC भी खुले हैं, मैकडॉनल्ड भी खुले हैं, जी ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले ये चीज़ें बंद होती। हाँ रेस्टोरेंट मॉल्स वगैरह वो इसलिए बंद किए गए हैं कि ज़्यादा लोग यूनिट में ना रहें, क्योंकि वहाँ से हमें सारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सारा कुछ होगा, तो इसलिए ये टोटली 31 मार्च तक बंद कर रखा है। और जो रेस्टोरेंट खुले हुए हैं उनमें भी 3 मीटर का, सॉरी 1 मीटर का या 3 फुट का टेबल का डिस्टेंस रखा है, ऐसी कुछ चीजें हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने अभी तक चिकन की कोई बात नहीं है। चिकन तुम खाना है तो आज साढ़े नाल आप इकट्ठे खाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतुल सर, मेरे लैब को मीटिंग हुए 24 दिन हो गए हैं, उसको कितनी ML कैल्शियम और लिवर टॉनिक देना है, कितने टाइम देना है? सर देखो, जो कैल्शियम की डोज होती है या मल्टी विटामिन की डोज होती है ना, वो आपके डॉग के बॉडी वेट के ऊपर निर्धारित होती है। आप किसी भी कंपनी का मल्टी विटामिन कैल्शियम लोगे, उसके साइड में लिखा हुआ होता है कि मान लीजिए 10 किलो बॉडी वेट है तो लिखा होगा उसकी डोज आधी होती है 5 ML पूरे दिन की, इसमें 2.5 ML सुबह देना होता है, 2.5 ML शाम को, 90% डोज ऐसी होती है। लेकिन कुछ कंपनियों की डोज होती है अलग, वो आपके किसी भी कंपनी का आप ट्राई करें उसके साइड में प्रॉपर लिखा हुआ होगा और हर चीज आपके साइड में हो, नहीं तो आपको यहाँ से बाई कर रहे हो जिस पेट शॉप से जिस डॉक्टर से, वो आपको समझा देंगे वो चीज। सुमित पटेल, रिक्वेस्ट सर, मेरे सेंट बर्नार्ड हीट पे है, उसने मेट नहीं करने दिया तो हमने सीमन इंजेक्शन के अंदर डाल दिया और कल मेटिंग हो गई, आज थोड़ा डार्क ब्लड आ रहा है और वो उल्टियां निकाल रही है। ब्लड का सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो उल्टियां हैं वो आप प्लीज चेक करवाइए डॉक्टर को। तो ठीक है, आपने आर्टिफिशियल करवाया है तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बट उसमें क्या होता है ना, कुछ जगह तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं लेकिन कुछ जगह उतने बढ़िया रिजल्ट नहीं आ पाते, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर डॉग मेटिंग करवाए ही ना तो फिर हमें क्या करना है, तो ये लास्ट जो आपने वे यूज किया वो बहुत बढ़िया किया, बाकी होप फॉर द बेस्ट माय फ्रेंड। दिस टास्क सर, वैक्सीनेटेड अमेरिकन बुली का 2 वीक पहले नेल लग गया था बट मैंने टेटनस नहीं लिया था, अब घाव भर गया है। सर अगर तो ज्यादा डरने की बात नहीं है, अगर आपने अगर वो घाव बिल्कुल ठीक है, इनके अगर वैक्सीनेशन वो है तो भी कोई ज्यादा टेंशन वाली, क्योंकि वैक्सीनेटेड पूरा था, कोई ज्यादा पैनिक वाली। नेल से इनमें क्या दिक्कत होती है कि इनके नेलों में कभी कभी बैक्टीरिया कह लो, गंदगी कह लो, वो हमें स्क्रैच करते हैं तो वो कभी कभी चीज
किसी को मान लीजिए कि अगर भगवान ना करे कोई शुगर का पेशेंट है या कोई चीज होती है, उन पे घाव पे जल्दी बढ़ता नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि जितना प्रिकॉशन लेना चाहिए लेना हो आप लीजिए। द रियल फ्रेंड सर, न्यूज में लोग अपने पेट्स को पेट शॉप में छोड़ के आ रहे हैं कोरोना की वजह से। देखो दोबारा क्वेश्चन पूछो प्लीज। क्या हो गया सर? क्वेश्चन दोबारा पूछो। क्वेश्चन द रियल फ्रेंड सर, न्यूज में लोग अपने पेट को पेट शॉप पे छोड़ के आ रहे हैं कोरोना की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है सर, पीछे अभी भी आपको बताया था मैंने कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉग्स को, ऐसा ना हो सकता है क्योंकि जो ये बीमारी है वो ह्यूमंस टू ह्यूमन ही है, अभी एनिमल्स पे नहीं है ये। ब्रिजदास मीना सर जी, ज्यादा खाना खाने से लेग बेंडिंग प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये टाइल फ्लोर जो आप ज्यादातर हमारे जो शहरों में घर हैं उसमें रखते हो तो उसको वॉकिंग करवाइए तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मल्टीटास्किंग लेब्रा 3 मंथ की डाइट कट। जो 3 मंथ का लेबरा है जी उसको आप एक स्टार्टर दे सकते हो, जैसे कोई भी कंपनी का रॉयल कैन, पेडागिरी, स्मार्ट आर्ट, 3 टाइम आपको देना है जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, और एक अच्छी कंपनी का कोई मल्टी विटामिन आप स्टार्ट कर सकते आयरन मैन हिंदुस्तानी गेमर है सर, डॉगी टाइम्स वाले भी भाई के ग्रुप के पप्पीज की पिक अपने यूट्यूब पे क्यों पोस्ट की? हैं। डॉगीज टाइम डॉगीज टाइम वाले भाई के ग्रुप के पप्पीज की पिक अपने यूट्यूब पर क्यों पोस्ट की? सर एक्चुअली ये होता है कि उनके पास भी बच्चे नहीं होंगे, वो पार्टी थर्ड के पास बच्चे होंगे तभी हमने अपलोड किए हैं, उसको भी जानता होगा वो आदमी है, हमारे को भी जानता होगा, ये हो सकता है। बाकी ये उसको है कि वो मेरे पपीज हैं तो वो बात कर ले हमारे आईवीआर नंबर पे तो हम वो पोस्ट निकाल देंगे। जय रॉटवेलर पपी प्राइस रॉटवीलर सर जो अच्छा पपी है वो 20,000 से स्टार्ट हो जाता है जी, बाकी डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा डिस्टेंस के हिसाब से। वाटिकोटी सर, मैं तेलंगाना से हूँ, कोई डॉगी है डॉक्टर के लिए? सर वो आप प्लीज हमारे भोला शोला ऐप से अडॉप्शन के सेक्शन में जाके देख सकते हो, जो भी डॉग होगा वो आपको अवेलेबल, वो आप कांटेक्ट कर लीजिए प्लीज ओनर के साथ। आशुतोष कुमार, हेलो सर, मुझे 61 डेज कुत्ते ने काटा है, प्लीज क्या करें हम? 16? 1 डेज हाँ कुत्ते ने काटे हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, एक्चुअली 90 दिनों में डॉग में रेबीज आता है, बट फिर भी आप एक जिसे पंजाबी का वर्ड बोलते हैं बहम, वो तो आप इंजेक्शन लगवा सकते हो टेटनस का। सविता परदेसी सर, मेरे रॉट को गैस्ट्रो हुआ है, वो बहुत वॉमिटिंग कर रहा है। सर आप नियर अपने किसी डॉक्टर के पास इनको दिखाइए। बांसी रेब्राई सर, मेरे जर्मन शेफर्ड ने उस दिन 10 पपी दिए थे, आज वो 4 या 5 दिन हो गए हैं, सब अच्छे हैं, बट सर मैंने मीटिंग तो 2 बार ही करवाई थी तो भाई पपी इतने हुए। तो अच्छी बात है सर, पप्पी इतने होने तो ये तो फीमेल का होता है ना सर कि वो कितने बच्चे कंसीड करती है, तो बाकी बेटर है आप मल्टीविटामिन आता है बच्चों का ड्रॉपर प्रोबी बूस्ट करके आप उन बच्चों को सभी को दो दो ड्रॉप्स दे सकते हो हर 2-3 घंटे के बाद, जिनके हिसाब से उनकी बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे और बच्चे बढ़िया हैं सर, आप इनकी ग्रोथ करवाइए और माता को भी स्टार्टर फूड डालिए जिनसे हिसाब से भी मदर को और बच्चों को फीडिंग अच्छी मिले। समीर शाहो सर, मेरे डॉग बहुत इचीनेस है, क्या लगाऊं मैं रॉटवेलर पपी 1 मंथ? तो सर ऐसे मैं बता रहा हूँ आप उसमें कोई फायदा नहीं है, प्लीज आप पहले डॉक्टर को दिखा लीजिए क्या दिक्कत है इसका। दीपेंद्र तालीवाल, माय फीमेल रिट्रीवर फीमेल डॉग के यूराइन आता रहता है, हर टाइम गीली रहती है। सर हो सकता है कि वो डरती हुई ऐसे थोड़ा सा करती है, अदरवाइज मेरे हिसाब से कोई उनको जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है,
बट फिर भी आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्योंकि जो 8 और 6 या 10 मंथ का टाइम होता है ना, फीमेल या मेल डर जाते हैं और डर के मारे शुशु कर देते हैं। शंकर होटला सर, मेरे पिटबुल का वेट 5 मंथ है, 15 kg है, 5 मंथ में 15 kg है, इज इट ओके? बेस्ट, बहुत बढ़िया पिटबुल है सर वो। वासु भी विल माय जेआरटी बैक लेग विल इंप्रूव? अप्रूव का अप्रूव मतलब बैठ रहे हैं तीनों लोग ने लगता नहीं पूछ रही बैठ। देखो कभी भी अगर जीएसटी प्रॉब्लम जीएसटी ब्रीड में अगर दिक्कत आती है तो कैल्शियम, मैं बार बार कहता हूँ कभी भी मत कैल्शियम उसको बंद कीजिए। कैल्शियम ही एक कह लो कि इस जर्मन शेफर्ड की एक लाइफ लाइन है। खाना डॉग फीड हम कहते हैं बार बार कितनी जितना हो दीजिए, अगर आप नहीं देना चाहते या कोई हम हाउ रीजन आप उसको कह लो कि घर के खाने पर शिफ्ट किया है, लेकिन फिर कैल्शियम कभी मत बंद करना प्लीज। भुवन शर्मा, 4 मंथ लैब वेट शुड बी -12 kg? हाँ सर, ये हमेशा लैब का बॉडी वेट 4 मंथ में 10 से लेकर 15 के बीच होता है, लेकिन क्या होता है ना ये कभी फिक्स नहीं हो पाता। अगर लो बोन हल्के बच्चे हैं तो 10 से कम भी होता है कभी कभी, और कभी कभी हैवी बोन बढ़िया बच्चा है तो 15 तक भी पहुंच जाता है। बाकी आपके टेक केयर और डाइट पर डिपेंड है। एनिमल लवर्स कैन डॉग हैव छोटे बच्चों का अगर बॉडी वेट थोड़ा ओवर भी है ना नॉर्मल से जो सपोज्ड होना चाहिए तो कोई पैनिक वाली बात नहीं होती, क्योंकि बाद में एक समय आता है जब डॉग थोड़ा हाइट जाता है तो फिर डॉग का थोड़ा बॉडी वेट रुक जाता है कह लो, बट अगर अंडरवेट है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। विकुल यादव सर, जर्मन शेफर्ड 1 मंथ का प्राइस क्या होगा? सर 10-12 से नॉर्मल ब्रीड शुरू हो जाती है, बढ़िया क्वालिटी लॉन्ग चाहिए तो फिर वो लगभग चला जाएगी कुछ अराउंड 15, 18, 20। जर्मन शेफर्ड एक बहुत बड़ी फैमिली है, बाकी नंबर दिया हुआ नीचे माय फ्रेंड, आप जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो मैसेज। ओंकार, आई वांट 3 पग डॉग सर। विनोद कुमार सर, आपकी शॉप कहाँ पे है? हमारी शॉप सर जलंधर पंजाब में है, आदमपुर एक छोटा सा टाउन है। लक्ष्य राणा सर, मैं एक डॉग लेने का सोच रहा हूँ, क्या उसे नाइट में केज में रखना पड़ेगा और वैक्सीनेशन का प्राइस बता दो लैब का? वैक्सीनेशन सर ऐसा है कि ये हर एक ब्रांड कंपनी के ऊपर निर्भर करता है, कुछ का होता है कुछ अराउंड 200 to between 300, लेकिन कुछ बड़ी कंपनियां 800, 900 इससे ऊपर भी होता है, तो ये बहुत मुश्किल है बता पाना। बट रही बात केज में रखने की, वो कोई ज़रूरी नहीं है डॉग को। हाँ अगर आपको लग रहा है कि घर छोटा है, डॉग छोटा बच्चा अपनी सूसू पोटी कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाता या हम उसको तब तक ट्रेनिंग नहीं दे पाते, तब तक केज में रख सकते हैं, उसके नीचे ट्रे लगी हुई होती है, साफ साफ सफाई में आसानी रहती है। बट बहुत सारे पपी लोग नहीं भी केज में रखते, वो पाल लेते हैं, डिपेंड है आपके पास समय कितना है। बी फ्रैंक सर, माय डॉग इज नॉट ईटिंग, व्हाई व्हाट हैपेंड? आई हैव चेक्ड हिज, ही इज नॉट गेटिंग फीवर, इट्स 1 year old डॉग। कभी कभी जब मौसम चेंज होता है ना लाइक दिस वेदर, तब हमें ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है कि डॉग खाना नहीं खा रहे थे प्रॉपर। उसके लिए जो मेन एक आपको बात है, मैंने एक वीडियो बनाया था व्हाट शुड आई डू इफ माय डॉग इज नॉट ईटिंग, आप मेरा वीडियो देख सकते हो। टॉपिंग कर सकते हो डॉग को खाने की, जो फेवरेट उसका स्नैक है खाने के ऊपर। पॉइंट 2, लिवर टॉनिक की हेल्प ले सकते हो, राइट। पॉइंट 3, थोड़ा डॉग फीड उसका चेंज कर भी आप देख सकते हो। अर्नव सर, अमेरिकन बुली मेल का क्या प्राइस रहेगा? अमेरिकन बुली का प्राइस उसके साइजेस के ऊपर डिपेंड होता है, बॉडी कलर मार्किंग के ऊपर डिपेंड होता है, एंड बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर भी निर्भर होता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है सवाल का जवाब, लेकिन ये कुछ 15,000 के आसपास से शुरू होने वाली ब्रीड है और जो हजारों लाखों तक पहुंच जाती है, डिपेंड साइज कलर ब्लड लाइन ऐसी चीज़ें हैं निर्भर करती है। बट फिर भी आप जो हमारा नीचे नंबर दिया हुआ है
इसमें आप आईवीआर में आप कॉल कर सकते हो लगभग कुछ 5-10 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम को। अदरवाइज आप व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप मैसेज ड्रॉप कीजिए प्लीज। कुंदन राज, मैं अपने जर्मन शेफर्ड पप्पी 60 डे एज को कितने खाना दूं? एट प्रेजेंट सर रॉयल कैनन स्टार्टर 50 ग्राम दे रहा हूं 3 टाइम्स अ डे, और कुछ देना है? दिन में 4 टाइम खाना दीजिए, सुबह 8 बजे के आसपास, फिर 12 बजे के आसपास, और 4 बजे के आसपास, और रात को 8 बजे के आसपास। दिन में 4 टाइम खाना दीजिए 50-60 ग्राम। वो आप देखिए डॉग की डाइजेस्टिबिलिटी को फॉलो कीजिए। अगर हम उसको बेटर, थोड़ा बेटर बना लेंगे, एक टारगेट होता है कि यार 3 मंथ में मेरा डॉग 10 केजी प्लस जाए, 6 मंथ में मेरा डॉग 20 केजी प्लस जाए, क्योंकि ये एक बेस्ट टाइम होता है डॉग की ग्रोथ का। इस समय अगर डॉग का बॉडी वेट थोड़ा ओवर भी है 1-2 किलो, तो कोई डर, कोई पैनिक होने की बात नहीं है, ये गुड खुशखबरी है, क्योंकि आगे जाकर आप ये जो बॉडी वेट है इसको आप बहुत ही अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो, उसको मसल बिल्डअप में हेल्प होगी, और जब वो ग्रोइंग पीरियड में जाएगा तब आपको लगेगा नहीं आपका डॉग पतला है। तो ये पैर में अगर थोड़ा ओवरवेट भी है तो गुड, लेकिन हाँ दिक्कत वहाँ आती है अगर हम वो, अगर 3 महीने के मेरे अमेरिकन बुली का बॉडी वेट 7 केजी निकले तो दिक्कत आती है। तो ये ग्राम्स व्राम्स के चक्कर को मैं नहीं मानता, मैं सिर्फ डॉग की डाइजेस्टिबिलिटी को मानता हूँ। मेरे पास एक मेजरिंग कप होता है और मैं वो कप से चलता हूँ कि कप, 1 कप खा रहा है, 1.5 कप खा रहा है, 1.25 कप खा रहा है, या 1.25-2 कप खा रहा है, या 2 कप खा रहा है एक टाइम में। मैं वो कभी नहीं देखता कि वो कप कितने ग्राम का है। निवेश कोरी मेरा, और हर दूसरे तीसरे दिन मैं उसकी डाइट धीरे धीरे बढ़ाता ही रहता हूँ। निवेश कोरी मेरा जर्मन शेफर्ड बाइक के पीछे रन करता है और भौंकता है। सर ये बहुत बुरी आदत है, ये कभी कभी क्या होता है कि डॉग को कोई बाइक वाला हिट कर जाता है तो फिर वो ऐसा करते हैं, लेकिन ये अच्छी नहीं है ये चीज़। काफ़ी डॉग इस तरह इंजर्ड होते हैं, कभी कभी पीछे से आने आने वाली को गाड़ी से एक्सीडेंटली भी हो जाता है, लग भी जाता है। तो मैं बात कहूँगा कि आप जितना हो सके डॉग को आप अपने देखो डॉग को खुला रखना चाहिए, लेकिन अपने 4 दीवारी के अंदर, ये नहीं कि वो रोड में भागे, वो गलत है। आप उसमें फिर आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई कंप्लेंट भी आपकी कर सकता है। डॉग को चेन के समय चेनिंग कीजिए, केज के समय केजिंग कीजिए, वॉक के समय वॉकिंग पर लेकर जाइए, और अगर ओपनिंग का टाइम है, खुला छोड़ने का टाइम है, तो उसको खुला भी छोड़िए, लेकिन अपनी 4 दीवारी, अपनी टेरिटोरी कह लो, बाउंड्री कह लो, उसके अंदर। सर देखो अलग अलग ब्रीड में होता है, कभी छोटे, बस मोटा सा आप अंदाजा ले लो 12 से लेकर 15 या कभी कभी 16-17 दिन के अंदर उनकी आईज प्रॉपरली ओपन हो जाती है। कुछ की बच्चों की पहले हो जाती है, कभी की वो उसी लीटर के अगर दूसरे बच्चे हों तो 1-2 दिन बाद भी होती है। दिस स्टार के सर, अमेरिकन बुली फीमेल स्ट्रेंजर पर बात करती है, पर जब उसे पता लगता है कि डेंजर नहीं है तो वो बार्क करना बंद कर देती है, नॉर्मल है? सर देखो मोस्टली क्या होता है कि डॉग जो गार्ड डॉग या वॉच डॉग होते हैं ना, इनका काम होता है अलग अलग। गार्ड डॉग होता है कि उसने, हमारे डॉग ने भौंका मार लिया, मैं अंदर बैठा हूँ अपने घर में, तो भौंका कंटिन्यूस भौंकता रहा, जब मैं बाहर आया तो हमारा डॉग रुक जाते हैं कि उनको मालूम है कि मेरा फैमिली मेम्बर या मेरा ऑनर आ गया है, अभी उनके है। दूसरी रही बात, कुछ डॉग बहुत गुस्से वाले होते हैं, वो मौका देखते ही अटैक भी करते हैं, वो अच्छी बात नहीं होती। हमारा डॉग का काम है हमको बताना, अलर्ट करना, तो वो अलर्ट हो गए, उनका काम हो गया, दैट्स ग्रेट। कुंदन राज, जर्मन शेफर्ड का वेट कितना होना चाहिए? प्रॉक्स कैल्शियम और मल्टीविटामिन कितना देना है पर डे अलग अलग एज में, और उसका खाना किस हिसाब से बढ़ाया जाए? सर खाना हमेशा डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से बढ़ाया जाए, वो आप खाना हमेशा सर डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से बढ़ाते हैं। बाकी रही बात, रही दूसरी मल्टीविटामिन कैल्शियम की, ये बॉडी वेट के हिसाब से बढ़ते हैं हमेशा, बॉडी वेट। हाँ जी भाई, 1 मिनट मारे बाहर की गाल खालो प्लीज। नेक्स्ट जी, संस्कार होटला सर, डॉग की हाइट कैसे इंक्रीज करूं?
सर देखो, एक तो उसकी हाइट ऑलमोस्ट मदर फादर पर जाएगी, जैसे डॉबरमैन पिंचर ये अच्छे हाइट वाले माँ बाप के बच्चे हैं तो ग्रो करेंगे, लेकिन अगर मेरे तरफ से कोई कमी रह जाए, मैं प्रॉपर उसको कैल्शियम ना दे पाऊँ, डिवॉर्मिंग ना टाइम टाइम कर पाऊँ, तो उस कारण अगर इसकी जो नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर का सत्यानाश हो सकता है, अदरवाइज नहीं। बाकी टाइम टू टाइम डॉग को कैल्शियम दीजिए, डॉग को समय समय पर डिवॉर्मिंग करते रहिए, डॉग फीड जल्दी से बंद मत कीजिए, हो सके जल्दी से बंद मत कीजिए, कंटिन्यूस दीजिए, तो फिर ये ग्रोथ करते हैं। 18 महीने तक नॉर्मली, 15 से 18 महीने तक डॉग की ग्रोथ होती है सर, वो ग्रोथ का हमें फायदा उठाना चाहिए। वंदना जानवी सर, मेरे पोमेरियन पपी 2.5 मंथ का है, बट उसका ईयर ओपन नहीं हो रहे। मैडम, जीएसडी कभी कभी तो दूसरे मंथ में ही या 40-50 दिन में ही कान खड़े कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है। लेकिन हमारी तरफ से क्या करना है, एक ही सपोर्टिव है, बहुत बढ़िया चीज़, कैल्शियम। कैल्शियम दे दियो सर, कैल्शियम में कंटिन्यूस प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इनको कंटिन्यूस देते रहिए कैल्शियम। क्यों हो गया, क्यों? देखो, ये आपका प्रोज्योति भाई सो गया ना, आप भी सो जाओ, अगर वहां छोड़ूंगा तो भी आप फिर ऐसे चिल्लाओगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोज्योति, मेरा 9 मंथ लैब के मुंह से हमेशा वाटर निकलता है और बहुत जोर से हर वक्त सांस लेता है, क्या ये नॉर्मल है? कहाँ से वाटर निकलता है, मुंह से? कौन सी ब्रीडन के पास? लेप्रा, 9 मंथ। देखो, थोड़ा बहुत पानी आना कोई ज्यादा बुरी बुरी पैनिक वाली बात नहीं है, लेकिन ज्यादा पानी आना वो बिल्कुल भी मैं ठीक नहीं समझूंगा। अगर ये कंटिन्यूस हो रहा है, काफी समय से हो रहा है, फिर मैं ये कहूंगा कि आपके नियरेस्ट भाई कोई अच्छे वेटनेरियन डॉक्टर हैं तो वहां आप जरूर उनको एक बार दिखाइए प्लीज। सूफियाना शाहजेब, मेरे पास एक चोवा। हाँ, डॉग है 2 ईयर ओल्ड जो कि बहुत वीक है और इल है। इसके हीमोग्लोबिन मेरे पास एक चुहा डॉग है 2 ईयर ओल्ड जो कि बहुत वीक और इल है। इसके हीमोग्लोबिन्स और वाइट ब्लड सेल भी बहुत लो हो गए हैं। काइंडली टेल मी व्हाट टू डू, द वेट इज ऑलमोस्ट गिव अप। मैं सिचुएशन नॉट अ गुड, जो आप मुझे बता रहे हो एक जो रिपोर्ट्स उसके हिसाब से, तो मैं खुद टेंशन में हूँ, बट मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप नियर बाई आपके कोई और वेटनेरियन है जो जिसने ने गिव अप किया उसके अलावा, क्योंकि हम अपने पेट को, अपने फैमिली मेंबर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि आपके नियरेस्ट कोई और डॉक्टर है तो ट्राई कीजिए। जरूरी 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 ये नहीं कि अच्छा ही हो, ऊंची दुकान फीका पकवान वाली भी ये कहावत है, वो भी कई जगह सही हो जाती है, तो और कोई है तो जरूर जाइए। गवर्नमेंट डूइंग गुड जॉब सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जा सकते हो, वहां भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं। अर्शवीर गर्चा, हेलो सर, प्लीज टेल प्राइस ऑफ व्हाइट अल्सेशन। काफी मुश्किल है बता पाना, क्योंकि ये ब्रीड्स होती हैं, अगर एक 5 बच्चे हैं तो फिर ये हो सकता है कि 1.5-2 लाख का मिल जाए, लेकिन कभी कभी 2 ही बच्चे होते हैं तो इनका प्राइस कभी 3.5-4 लाख तक भी चला जाता है। बट हमेशा ब्लड लाइन और दूसरा पॉइंट है, हमेशा अवेलेबिलिटी पर डिपेंड होता है प्राइस। थ्री फ्रेंड्स विद व्लॉग, सर आपसे एक पप्पी ले रहा हूँ, डॉग अच्छा नहीं दे रहा है, वीडियो भेजा है। अच्छा नहीं दे रहा सर, मैं व्लॉग भी थ्री में आपकी पूरी पॉइंट नहीं समझ पाया। अगर हमारी टीम की बात करें, आपको मान लो पप्पी कोई पसंद नहीं है तो आप कह सकते हो कि सर मेरे को और बेटर क्वालिटी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन आप हमसे अगर ले रहे हैं तो मेरे को तो ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, लेकिन मेरे को ऐसा कोई नहीं है कि आप हमसे ले रहे हो। हाँ, वो बात अलग है कि मैं बहुत समय से ये जो सेल का काम मैं नहीं देखता, हमारी एक टीम है वो ये चीज़ मैनेज करती है,
लेकिन अगर आपको वो पपी पसंद नहीं है तो बिल्कुल मत यस कहिए पास। शिवम की दुनिया, ज्यादा वेट वाले डॉग का वेट कैसे मानना? सर सिंपल है, अगर तो आप डॉग को उठा सकते हो तो पहले आपके पास जो वेइंग मशीन या कह लो कि वेट करने वाला कंडा है वहां पर आप पहले अपना बॉडी वेट कर लीजिए, फिर आप डॉगी को उठाकर कंधे पर चढ़ जाइए, अपना वेट माइनस कर लो, उसमें जो टोटल वेट आएगा उसमें अपना वेट माइनस कर लो, पप्पी का वेट आपके सामने डॉगी का आ जाएगा सर। प्रदीप सर जी, मेरे डबरमैन डॉग 37 डेज का है, 4.5 kg वेट है, कितना वेट होना चाहिए? कितने का 4.5 kg, 37 डेज। डबरमैन? बहुत बढ़िया सर, गोइंग वेरी गुड। और कंटिन्यू जो आपकी डाइट है मैं नहीं पूछूंगा क्या है, लेकिन उसको कंटिन्यू करते रहिए। और हाँ डिवॉर्मिंग जरूर देखना, कभी भी डॉग अगर कंकर पत्थर घास फूस मट्टी की तरफ जाता है तो बॉडी वेट के हिसाब से डिवॉर्मिंग जरूर करना। कुंदन राज, जर्मन शेफर्ड का वेट 60 डेज में कितना होना चाहिए? 3 मंथ और 6 मंथ में लगभग कितना हो के वो अच्छा हेल्थी हो? पाजी एच कर दो पाजी, नहीं एच मैं कर पा दो ज्यादा बेटर है, कितना कितना लाइक छोटे कितना समान है, 9 मिनट रह गया। कोई बात नहीं, थोड़ा रो रहे हैं तो रो दे, मैंने डरा कोई चीज ना खा लेना सर वहां से। नहीं सर, हाँ अब क्वेश्चन लो क्वेश्चन लो। कुंदन राज, जर्मन शेफर्ड का वेट 60 डेज में कितनी होनी चाहिए? 3 मंथ और 6 मंथ में लगभग कितना हो के वो अच्छा हेल्थी हो? नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंदन राज, जर्मन शेफर्ड का वेट 60 डेज में कितना होना चाहिए? 3 मंथ और 6 मंथ में लगभग कितना हो के वो अच्छा हेल्थी रहे? ये तो डिपेंड हैवी बोन और लो बोन के ऊपर, लेकिन हाँ जरूर मैं कहूंगा कि 5 से 7 kg के बिटवीन होना ही चाहिए 3 मंथ सॉरी 60 डेज में, 2 मंथ में, और 10 kg के आसपास या 10 kg से प्लस जरूर होना चाहिए आफ्टर कह लो कि 90 डेज। एक टारगेट मानकर चलो 90 दिन पर डबल डिजिट 10 kg से प्लस बॉडी वेट होगा तो एनीबॉडी कैन हैप्पी। अमित कुमार सर, आपकी कोई ब्रांच गुरदासपुर में है क्या? नहीं पंजाब में 90% हम खुद ही काम करते हैं, जो कि हमारी ब्रांच यहाँ से ऑपरेट होती है जलंधर से, यहाँ पर हम खुद ऑल ओवर पंजाब हर चीज की डिलीवरी करते हैं। दी स्टार्क सर, अमेरिकन बुली फीमेल 7 मंथ प्ले करते हुए बार्क करता है एंड पैंट और शू खींचता है, नॉर्मल है? ये नॉर्मल है, लेकिन इतना है कि वो स्ट्रेंजर अभी 7 मंथ में स्ट्रेंजर के ऊपर तो भौंकना उसको चाहिए, अगर नहीं भौंक रहा तो थोड़ी उसको चेनिंग और केजिंग की आदत डालिए, इससे डॉग थोड़ा सा फिर जब इरिटेट होता है गुस्सा करता है तो फिर वो भौंकना चालू कर देता है। डिपम सर, रॉटवाइलर लूं या डबरमैन लूं? आजकल दोनों ही ट्रेंड में है, लेकिन हाँ डाबरमैन पिंचर थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा, थोड़ा सा बढ़िया ब्लड लेने के लिए थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। रॉटवाइलर भी लेकिन क्योंकि वो आपको इजीली ब्रीड मिल जाएगी, डाबरमैन पिंचर के लिए थोड़ा सा हेडेक, बाकी अगर आप हमसे ब्रीड चाहते हो जैसे ये 2 डाबरमैन पिंचर हैं हमारे पास, ऐसे हमारे पास और भी लीडर हैं हमारे ग्रुप में है, तो आप हमारे जो नंबर नीचे दिया हुआ है वहाँ पर जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। लक्ष्य राणा सर, डॉग को वॉकिंग पर कितनी एज पर लेकर जाना चाहिए? अगर 2 मंथ का डॉग को वॉकिंग पर लेकर जाए तो पार्वो का खतरा होता है क्या? ये चीजें एक तो वेदर के ऊपर डिपेंड होती है, कि ये सवाल अगर आप सर्दियों में पूछते तो मैं उसका जवाब कुछ और होता, अभी जवाब कुछ और है। दूसरा पॉइंट है वैक्सीनेशन, पहला वैक्सीनेशन डॉग को लगता है 40-50 दिन के बिटवीन, वो लगाकर फिर उसके बाद आप डॉग को वॉक दे सकते हो, लेकिन फिर भी लोगों जो डॉग आप अडल्ट हैं सेमी अडल्ट हैं उससे बड़े हैं उनसे संपर्क में कम आए, हाइजेनिक सही साफ सुथरी जगह पर उसको वॉक करवाइए। अगर आपका घर बड़ा है तो मच बेटर है कि घर में ही, फिर तो वो 2-3 अगर गेड़े लगा लेगा गेट से लेकर आपके जो भी कितना बड़ा भी एरिया है तो उससे सफिशेंट है, लेकिन 2 वैक्सीनेशन के बाद जो कि दूसरा वैक्सीनेशन लगेगा उसको यही कुछ 70-65 दिन के आसपास, तब आप उसके बाद वॉक उसको बाहर भी दे सकते हो, लेकिन फिर भी हमेशा साफ सुथरी जगह पर ही वॉक दीजिए। राजेश सर, मीटिंग के लिए टेलीफोन
टेस्ट कितने दिन में करवाएं? ये कौन से आप टेस्ट की बात कर रहे हो, मैं नहीं समझ पाया सर। अगर तो आप स्लाइड की बात कर रहे हो तब तो आप दूसरे तीसरे दिन बना सकते हो, कि कब मीटिंग का सही समय क्या है, तो वहाँ से। बाकी आप कौन से टेस्ट की बात कर रहे हो, मैं अपोलोजाइज, मैं नहीं वो चीज़ समझ पाया। हाँ जी जितवीर सर, प्राइस क्या है पप्पी का? सर, डिपेंड क्वालिटी किस ब्रीड की आप बात कर रहे हो, डॉबरमैन पिंचर की। ये सर आपको मेल कुछ का मिलेगा कुछ 25,000 के आसपास है, फीमेल का प्राइस होता है यही कुछ 12 से 15 के आसपास विदाउट पेपर। इमरान अंसारी, हेलो हाउ आर यू सर? वेरी वेल फाइन जनाब, आप कैसे हो? रंजन सिंह, ब्रदर आई हैव अ स्ट्रीट डॉग, ही इज 3 month ओल्ड एंड हिज बैक लेग इज बिकमिंग लिटिल बेंड एंड टू मच हेयर फॉल। आई वेंट टू डॉक्टर एंड डॉक्टर गिव वन शेलकल सिरप, शार्क ऑफ रोल, चार ठीक है न्यूरोबिन थैंक्स फोर्ट। सर, वो ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगा, देखो कोई भी स्ट्रीट डॉग है, जैसे मेरे घर में आप जानते हो स्ट्रीट डॉग भी हैं और हाइब्रिड डॉग भी हैं, कम्युनिटी डॉग कह लो वो भी है, तो मैं इनका सबका पैटर्न एक जैसा ही होता है। बाल अगर मेरे हस्की के भी झड़ेंगे तो कम्युनिटी डॉग के, जो मेरे घर में स्ट्रीट डॉग है, उसके बाल भी तभी झड़ेंगे। तो रीजन क्या होता है कि मैं बस ये चीज़ फॉलो करता हूँ कि मैं जब बाल झड़ने हैं उनको ओमेगा 3 ओमेगा 6 देना है किसी भी कंपनी का, जो भी आपको आसानी यहाँ मिलता हो आपके वहाँ। 0.2 अगर आपको डॉग में विटामिन की कमी है तो मल्टी विटामिन दीजिए, कैल्शियम की कमी है लेग्स बेंडिंग वीकनेस तो कैल्शियम जरूर दीजिए बॉडी वेट के हिसाब से। लेकिन इसमें कोई लेना देना नहीं है कि मेरे पास कम्युनिटी डॉग है, स्ट्रीट डॉग है या हाइब्रिड डॉग है, बस हमें वो चीज़ देनी है, वो सभी के लिए सेम ही रूल्स होते हैं। डेरम सर, मेरे डॉग को एपिलेप्सी है, कौन सी मेडिसिन ठीक रहेगी? हाँ ये सर मैं नहीं ऐसे बता सकता, वो आपके नियरेस्ट कोई, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे तो मच बेटर है, वहाँ जाइए, वहाँ जाकर आपके नियरेस्ट कोई अच्छा, पहले एक दो टेस्ट होंगे कि ये किस तरह की चीज़ है, वो टेस्ट के बिहाफ पर ही आपको कोई दवाई सजेस्ट की जाएगी, फिर डॉग की प्रेजेंट कंडीशन भी चेक की जाएगी, क्योंकि अगर तो कोई स्किन की प्रॉब्लम होती तो फोटो देखकर आपको कोई सजेस्ट कर सकता कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, लेकिन आपके केस में डॉग को प्रेजेंट चेक करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, उसको प्रॉपरली मेडिसिन, अगर आप मान लीजिए 5 दिन एक मेडिसिन देते हो उसमें रिजल्ट नहीं उतना पकड़ पाता नहीं आता, तो फिर आपको उसका अल्टरनेट कोई और ढूंढना पड़ता है। तो ऐसे एक कह लो कि पैटर्न बाय पैटर्न कह लो या स्टेप बाय स्टेप कह लो, ये पूरा एक मेडिसिन का चीज होती है, ये उसी हिसाब से चलती है। हरमनप्रीत सिंह सर, अमेरिकन बुली फीमेल पप्पी चाहिए, प्राइस कितनी तक मिल जाएगा? इनका प्राइस जैसे मैंने शो में पहले ही बताया सर, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी कलर मार्किंग एंड हमेशा इनके साइजेस के ऊपर डिपेंड होता है। तो मोस्टली मैं यही कहूँगा कि फीमेल 10 12 15 से शुरू होती है, मेल हमेशा 20 25 से बढ़िया शुरू होती है। यूजर F1 फर्स्ट टाइम डॉग ओनर को वैगन हो, उसके लिए डॉग ब्रीड बताएं प्लीज। डिपेंड सर आपका साइज, देखो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि मैटर ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो या आप थर्ड टाइम हो या फोर्थ टाइम हो या सेकंड टाइम हो, नहीं, मैं हमेशा जो मेरे यहाँ शॉप पर या मेरे फार्म में या मेरे कंपनी में कोई डॉग लेता, मेरा हमेशा सवाल होता है आपके पास समय कितना है, आपका घर कितना बड़ा है, राइट। ये दो सवालों के जवाब अगर मेरे को मिलते हैं तभी मैं ब्रीड उनको बताता हूँ कि सर आपके लिए ये ब्रीड सही रहेगी, मुझे को मेरे को कभी ये फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे से ले या मेरी फार्म से ले या ना ले, नो, कम से कम मैंने उसको नॉलेज तो सही दी है ना। मैं कभी वो ब्रीड नहीं, मैं पड़ोसियों को देखकर डॉग लेने वालों को बिल्कुल भी सही नहीं मानता, हमेशा आपका समय कितना है, अगर आपके पास समय कम है तो स्मॉल ब्रीड डॉग लीजिए, स्मॉल ब्रीड में भी अच्छे वॉच डॉग और अच्छे काटने वाले डॉग मिल जाते हैं। अगर किसी को शौक है कि मेरा डॉग अगर मेरे घर में कोई घुसे वो काटे, वो जरूरी नहीं कि बड़ा ही लेना है, छोटे डॉग भी ऐसा करते हैं। दूसरा, बहुत सारे बड़े डॉग भी टॉय ब्रीड्स होते हैं, शांत होते हैं, फैमिली डॉग होते हैं, लेकिन उनका बॉडी वेट चाहे 30 40 kg हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको समय चाहिए, 2 टाइम अच्छी लंबी वॉक, जैसे डॉग बड़ा होता जाएगा उसका बॉडी वेट बढ़ता जाएगा, वो आपसे समय मांगता जाएगा। अगर सुबह हमने एक दिन 3 महीने का डॉग अगर सुबह आपसे जर्मन शेफर्ड 10 20 मिनट लेगा ना, तो 1.5 साल का आपका आधा पौना घंटा सुबह आधा पौना घंटा शाम को लेगा, अगर आपके पास इतना समय है
तो बड़ी ब्रीड लीजिए, अदरवाइज छोटा डॉग लीजिए। जब भी आप डॉग लो ना सर, मैं कहना फैमिली मेंबर है हमारा, बैक ऑफ माइंड एक चीज होनी चाहिए, बहुत जरूर नोट रखिए कि ये आप जो ला रहे हो ये 10-12 साल आपके साथ रहेगा, आपके घर में रहेगा। तो उस अपना जैसे हम जैसे आप बार बार ऐड नहीं आती म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म फलाना ढिमका, ये थ्योरी डॉग के साथ भी है कि आप जब डॉग ले रहे हो तो लंबा सोचिए कि कितना समय आप इसके क्या क्या कर सकते हो। वी डोंट नो अबाउट फ्यूचर बट एक प्लानिंग जरूर कर कर डॉग लीजिए। दीपक कुमार वर्मा, सर मेरी फीमेल डॉग लेब्रा फीमेल डॉग लेब्राडोर 9th मंथ की है, मीटिंग करवाएं कि अभी नहीं? सर मैं कहूँगा नो, मत करवाइए, आप अभी नेक्स्ट सीट की वेट कीजिए। संस्कार होटला, सर हाइट कैसे इंक्रीज करूं? सर हाइट हमेशा मदर फादर पर डिपेंड होती है, अगर आप अच्छी कंपनी का मल्टी विटामिन कैल्शियम प्रॉपर देते हो तो जो चीज़ वो हेल्प करेगी, लेकिन 18 महीने तक डॉग का बेस्ट ग्रोथिंग टाइम होता है, उस समय अगर आप उसको वो चीज़ें दोगे तो रिजल्ट और बेटर मिलेगा। बहुत सारे मेरे फ्रेंड 2 या 3 साल के डॉग की हाइट बढ़ाना चाहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी खीर हो जाती है। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे माय फ्रेंड। कोरोना वायरस, वन मोर टाइम आई रिपीट अगेन, पेट से नहीं होता। दूसरा बात है, बहुत सारी अफवाहें उड़ी कि आप अगर जिंजर ज़्यादा खाओ गार्लिक ज़्यादा खाओ तो नहीं होगा, उस पर भी कोई सहमति नहीं है, या कोई WHO या हमारी जो हेल्थ ऑर्गेनाइज बॉडी है वो उसको नहीं प्रूव कर रही। बहुत सारी अफवाहें उड़ी कि जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, वोदका पीते हैं, उसको कोरोना वायरस नहीं होता, वो भी गलत साबित हो गया। बहुत सारे कहते हैं बच्चे को नहीं हुआ, ब्रिटिश में छोटे बच्चे को भी हो गया। बहुत सारे कहते हैं यंग एज को नहीं हुआ, अभी मैंने कुछ आज दिन पहले मासीडोना शायद किसी फुट सॉकर टीम के कोच को भी हो गया, उसकी 21 ईयर थी। ये वायरस कोई जात पात कोई एज कुछ नहीं देख रहा, बस ओनली हमारा वॉल कह लो इसके बिटवीन कोरोना वायरस और हमारे बिटवीन एक वॉल है, वो वॉल हमें खड़ी करनी है। अपनी साफ सफाई से अपने हाथों को साफ रखिए, बीमार लोगों से दूरी बनाए रखिए, अगर आप पब्लिक प्लेस में जाते हो तो मास्क वगैरह हैंड सैनिटाइजर वॉश हैंड वॉश क्या चीज़ें हैं वो यूज कीजिए। पेट को हमसे नहीं होती, आई रिपीट अगेन, हमारे पेट को हमसे नहीं होती, हमको हमारे पेट से होने के चांसेस हैं, जो कि हांगकांग में एक लैब में जो हमने स्टोरी भी डाली थी वो जो हमें सर्च में मिली। हमसे हमारे पेट को हो सकती है लेकिन पेट से हमको नहीं हो सकती, दिस इज माय पॉइंट सॉरी। तो वो हमने स्टोरी भी डाली थी काफी से सर्च कर, बट माय फ्रेंड प्लीज 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 बहुत सारे गवर्नमेंट की जो जो गाइडलाइंस है उसको जरूर फॉलो कीजिए, प्रिकॉशन हमेशा बेस्ट होता है, बाद में जो प्रॉब्लम कह सको कि हमारा एक जो कहावत है ना सांप निकल गया लकीर को पीटना, वो मत करना। पहले ही हमने जो हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करी है माय फ्रेंड, प्लीज सपोर्ट अवर गवर्नमेंट। कितने आपने सुना होगा कि हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग कंट्रियों में से इंडियंस को निकाल कर लाए, क्या आपने सुना? और किसी कंट्री ने ऐसा किया? नहीं किया। कोरोना वायरस थैंक गॉड इंडिया में आए ना और बढ़े ही ना, लेकिन बहुत देर बाद इंडिया में एंटर हुआ, तब तक और बहुत सारी कंट्रियों में एमरजेंसी जैसे हालात हो गए, लेकिन वो भी हमारी गवर्नमेंट की एक कह लो अवेयरनेस के कारण। तो हमें अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर छोटे से छोटे पर्सन से लेकर जो आपके कोई बेचारा गली से कूड़ा भी उठा रहा है ना, तो वो उनका भी थैंक यू कि वो ये साफ सफाई जो चेन है ना पूरी ऊपर तक जा रही, तो वो उसको जितना आप स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ये हमारे कंट्री में हमारे ये बढ़ेगी नहीं, और हमारे मोहल्ले में नहीं बढ़ेगी, शहर में नहीं बढ़ेगी, स्टेट सिटी में नहीं बढ़ेगी। तो प्लीज़ माई फ्रेंड अपनी सेफ्टी इस समय आपके खुद के हाथ में, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, तो वी हैव टू शो द वर्ल्ड वी आर इंडियन और वो हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं चीज़ें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पेट से कभी भी, आई रिपीट अगेन, हमारे पेट से हमको नहीं होती ये बीमारी, हमसे बीमारी हमारे पेट को हो सकती है, जो कि हांगकांग में हुआ। तो प्लीज 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 माई फ्रेंड, नॉन वेज अगर खाना चाहते हो नहीं खाना चाहते हो आप पर डिपेंड है, आपके स्टेट की जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की गाइडलाइन उसको फॉलो कीजिए, बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ माई फ्रेंड। सीनियर सिटीजन ध्यान रखिए, बच्चे अपना ध्यान रखें, तो प्लीज 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 टेक केयर एंड वी प्रे टू दैट कि ये स्प्रेड पूरे ये जो महामारी है जल्दी से इसका वैक्सीन मिले। हाँ मैंने आज पढ़ा कि अमेरिका ने वैक्सीन ऑलरेडी ह्यूमन पर ट्राई किया है,
और होप आए, मैं क्रॉस माई फिंगर कि वो आज का रिजल्ट अच्छा आए, वो सक्सेसफुली हो। इंडियन मैंने कल भी कहा था कि पढ़ा था कि इंडिया में भी उनका वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई है, तो होप कि हम शायद हम पहले ही हो कि हम बना दें, तो हमें अपने साइंटिस्ट पर विश्वास करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच माई फ्रेंड, उन सब का बहुत बहुत थैंक यू जो साफ सफाई में, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, मॉल्स, गली कुचो सब में साफ सफाई करें, उनका पहले तो बहुत बहुत थैंक यू माई फ्रेंड। आप ही हमें बचा सकते हो, इनका जो मेंबर्स क्लीन अप कर रहे हैं, इनका जो सपोर्ट कीजिए माई फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच, लव यू, बाय, टेक केयर।